down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know. Welcome back to Friday workout video, and today's video is all about upper body workout. And also guys, हमें लेना है pre-workout snack, जिसमें आज मैं ले रही हूँ ये smoothie, and ये है banana और smoothie. So guys, आप ले सकते हो 15 to 20 minutes पहले अपना pre-workout snack. उसमें बहुत सारे alternates भी हैं जो कि आप रोज अलग अलग ले सकते हो. And guys, आज ये smoothie ले रही हूँ. ज़्यादातर मुझे स्मूदी लेना ज़्यादा अच्छा लगता है प्री वर्कआउट स्नैक में. एंड अब करते हैं अपना हम वर्क स्टार्ट फ्राइडे वर्कआउट. आज कर रही हूँ अपर बॉडी वर्कआउट शोल्डर ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स के लिए. सो या इसे करेंगे हम वार्म अप से स्टार्ट. एंड गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सारे एक्सरसाइजेस बहुत ही इफेक्टिव एंड इजी टू डू है, प्लीज फॉलो इट. Let's not overthink and live.
just one sip is all I want, all I want, all I want, all I want out of this. Ooh, I had no intention to get so tempted. Let's blame the Patron, no need to chase it. फ्राइडे वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और आज किया था स्पेशली शोल्डर का वर्कआउट और बाइसेप्स एंड ट्राइसेप के लिए भी. सो बेसिकली ये था अपर बॉडी वर्कआउट और मैं अब कर रही हूँ अपना वेट चेक क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत वेट कम हो जाता है. वो सिर्फ टेम्परेरी होता है. जब आप डाइट ले लोगे तो वो आपकी बॉडी को आपका जो भी आप खाओगे एकदम से इंस्टेंटली लगेगा एंड उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा. थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ग्राम्स में, मेरा बढ़ता है. सो मैं हमेशा रोज़ ट्रैक कर लेती हूँ अपना वर्कआउट के बाद अपना वेट. सो या एंड हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. सो वर्कआउट करने के बाद आज मैंने थोड़ा सा वाटर इनटेक किया था और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन भी ऐड किया हुआ था. आई मीन पानी के अंदर ही मैंने डाल दिया था कुछ स्लाइसेस लेमन की. सो या ये एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए परफेक्ट है. सो नाउ अब हमें लेना है पोस्ट वर्कआउट मील जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो लेट्स गो टू द किचन. सो गाइस पोस्ट वर्कआउट मील में आज ले रही हूँ मशरूम, पनीर, बेबी कॉर्न एंड कैप्सिकम. सो या इनको मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से. काफ़ी ज़्यादा मशरूम वॉश करना मुश्किल रहता है क्योंकि अंदर से थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी होता है. सो या और ये प्रोटीन रिच डाइट है और बहुत टेस्टी लगता है. इसको मैंने देसी घी में ही बनाया है और इसमें एज सच मैंने कोई मसाले ऐड नहीं करे हैं. सिर्फ ग्रीन पेपरी एंड सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसमें और कुछ नहीं. और ये इतना टेस्टी लग रहा था, ट्रस्ट मी, इतना डिलीशियस. और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू भी लगाया है और नींबू डाल के ओ माय गॉड ये इतना टेस्टी लग रहा था कि प्लीज टायर्ड तभी आप समझ पाओगे. ऐसे मुझे यू नो विदाउट मसाला का खाना बहुत अच्छा लगता है. इसे ट्राई करना, बहुत हेल्दी है, रिच है एंड पोस्ट वर्कआउट मील में ये सबसे बेस्ट डाइट है गाइस. एंड या और गाइस मैं रात में फ्री टाइम में कभी भी भुना चना खा लेती हूँ. सो भुना चना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रोटीन मिलता है तो आप इसे भी खा सकते हो. सो इस तरह से ये मुझे आया था 35 रुपीज़ का एक पैक पूरा और ये 200 ग्राम्स का है. सो द बेस्ट ऑप्शन है गाइस. एंड गाइस एक्टिवेट इज सो कंफर्टेबल. ये मुझे अब तक सबसे बेस्ट क्वालिटी लगी है योगा पैंट की. एंड या अपर इज आल्सो गुड. सो इफ यू रियली वांट टू परचेज इट आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन आल्सो परचेज इट. सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड नाउ आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय. My old lovers fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing.